ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने जीते जी मरने के लिए कहा है, और बाबा ने जीते जी मरने का अर्थ भी समझाया है। बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में भी शिव पर बलि चढ़ते हैं, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है। फिर दूसरी बात बाबा ने कही कि जो द्वापर और कलयुग में वर्षा मिलता है वो लौकिक बाप से मिलता है, लेकिन सतयुग में जो वर्षा मिलता है वो इस समय के पुरुषार्थ से मिलता है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, देह सहित जो कुछ भी तुम्हारा है उससे ममत्व मिटाओ। देह सहित जो कुछ भी तुम्हारा है उससे ममत्व मिटाओ। ट्रस्टी होकर रहो, इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। प्रश्न है, संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल कौन सा है? संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल कौन सा है? बाप द्वारा उन्हें कौन सी बेस्ट प्राइस मिलती है? उत्तर है, तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, राज ऋषि राज योगी। टाइटल है राज ऋषि राज योगी। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण यज्ञ की संभाल करने के निमित्त हो। तुम्हें बड़े से बड़े सेठ द्वारा बहुत बड़ी दक्षिणा मिलती है। स्वर्ग की बादशाही बेस्ट प्राइस है। बाप द्वारा जो बेस्ट प्राइस मिलती है वो है स्वर्ग की बादशाही। गीत है आज की मुरली का, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। मिट जाएगी हमारी दुनिया। ओम शांति। बेहद का बाप बैठकर बेहद के बच्चों को जीते जी मरने की अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं। बच्चों ने गीत सुना कि जीते जी मरना है। काशी में बलि चढ़ते हैं, वह तो शरीर को खत्म कर देते हैं। काशी कलवट खाते ना, तो बाबा ने कहा कि वो सिर्फ शरीर को खत्म करते हैं, वह कोई ज्ञान और योग आदि नहीं सीखते हैं। यहां तो जीते जी बाप का बनना है। ज्ञान सुनने लिए जीते जी देह सहित सब बंधन तोड़ अपने को आत्मा समझना है। अभी बाप आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे अभी ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर सब कुछ मेरे हवाले कर दो, बस हम तो बाबा के बन गए। कहते हैं ना, भक्ति में भी कहते थे तन मन धन सब कुछ तेरा, और अभी तो बाबा सम्मुख है तो बाबा ने कहा सब कुछ मेरे हवाले कर दो।
अभी हम वानप्रस्थी प्रैक्टिकल में हैं, हाँ, चाहे छोटी आयु के भी हैं, लेकिन कौन है? वानप्रस्थी। वह वानप्रस्थी घर छोड़ जाकर हरिद्वार में बैठते हैं। हाँ, दुनिया में भक्ति पूजा पाठ करने के लिए 60 साल की उम्र के बाद तीर्थों पर जाकर बैठते हैं। फिर भी इस मृत्यु लोक में ही जन्म लेते हैं। अभी बाप समझाते हैं कि तुमको अब इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं मिलना है। मृत्यु लोक कलयुगी दुनिया, मृत्यु लोक कलयुगी दुनिया मुर्दाबाद, अमर लोक सतयुगी दुनिया जिंदाबाद होती है। इसीलिए बाप कहते हैं, रहो भल ग्रस्त व्यवहार में, सिर्फ देह सहित जो कुछ तुम्हारा है इससे ममत्व मिटाओ। भले ग्रस्त व्यवहार में रहो, लेकिन ममत्व नहीं होना चाहिए। समझो हम सब कुछ शिव बाबा को देते हैं, सब कुछ शिव बाबा का ही है। फिर शिव बाबा कहते हैं, अच्छा ट्रस्टी होकर संभालो। हाँ, हमने दे दिया, फिर बाबा ले लेगा? बाबा क्या कहते हैं? सब कुछ आप ही संभालो, लेकिन कैसे? ट्रस्टी होकर। शिव बाबा की भंडारी से हम अपना शरीर निर्वाह करते हैं। क्या समझो? कि जो भी हम खाते हैं वो शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, सब कुछ परमात्मा का ही है। जो भगत होते हैं वो अज्ञान काल में भी ये मानकर चलते हैं, सब कुछ भगवान का है। परमात्मा का ही दिया हुआ है। फिर कोई बच्चा मर जाता था तो रो लेते थे, हाँ, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं था तो ममत्व भी रहता है, तो बच्चे ने शरीर छोड़ा तो दुखी होंगे, रोएंगे। अब बाप कहते हैं, पुरानी चीज की याद भूल जाओ। एक बाप को याद करो। जो बाप नई दुनिया के लिए नया राज्य भाग्य देते हैं, घर ग्रस्त में रहते समझो, घर ग्रस्त में रहते समझो, क्या समझो? यह सब कुछ शिव बाबा का है। तो वह राय पूछते हैं, अगर समझते हैं सब कुछ शिव बाबा का है तो फिर कुछ भी यूज करेंगे तो राय पूछेंगे। जीते जी मरना इसको कहा जाता है। हम श्रीमत पर चलते हैं, कहेंगे बाबा हम मोटर लेवें? हाँ बच्चे भल लो, बाबा मना नहीं करेंगे, लेकिन पूछना है बाबा को कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है, वो बाबा से राय लो। तो कहते हैं, बाबा ने क्या कहा? भले लो। जो बच्चे समझते हैं सब कुछ बाबा का है, वह राय पूछते हैं। भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा के आगे बलि चढ़ते थे, परंतु ज्ञान नहीं था। यहाँ तो परम पिता परमात्मा बैठ ज्ञान सुनाते हैं। कितना सहज रीति, 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं मैं कब आया था कोई जानते नहीं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। अब वह स्वर्ग स्थापन किसने किया? हाँ, ये नहीं जानते, कहते जरूर हैं,
कि 3000 साल पहले स्वर्ग था, लेकिन स्थापन किसने किया? देवी देवताएं स्वर्ग में कहां से आए? गाते भी हैं मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। वह कब आए? जरूर आएंगे कलयुग के अंत और सतयुग आदि के संगम पर। जब शिव बाबा की आवश्यकता है इस दुनिया में तभी वो आएंगे। बाप कहते हैं अब तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूं। इतने ढेर पढ़ने आते हैं, इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं है। अंधश्रद्धा होती तो इतने सब नहीं आते। बाबा तो हमें ज्ञान देता है, हमें अपना लक्ष्य समझाता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, शिव बाबा कौन है, उनसे क्या संबंध है, तो इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं है। यह दूसरे सत्संगों माफिक नहीं है। सत्य बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबा ने समझाया है भक्ति मार्ग में भी बरोबर दो बाप रहते हैं। भक्ति मार्ग में भी दो बाप तो सदा ही होते हैं। कौन से दो बाप? एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। एक जिस्म का लौकिक बाप और दूसरा आत्माओं का पारलौकिक बाप। आत्माएं उस पारलौकिक बाप को याद करती हैं, ओ गॉड फादर, भिन्न भिन्न नाम रूप से याद करते हैं। आप मुस्लिम हैं तो खुदा अल्लाह कहकर याद करेंगे, वाहे गुरु कहकर याद करेंगे, तो हर एक अपने अपने नाम से उसको याद करते हैं, लेकिन ज़रूर उस पारलौकिक बाप को याद करते हैं। लौकिक बाप से द्वापर से लेकर जन्म बाई जन्म वर्षा लेते आए हो। ऐसे तो नहीं सतयुग में भी लौकिक बाप का वर्षा लेते आए हैं? हाँ, सतयुग में लौकिक बाप से वर्षा मिलेगा? क्या कहेंगे? नहीं, सतयुग में जो लौकिक बाप से वर्षा लेते हैं वह इस समय की यहाँ की कमाई है। यहाँ तुम इतनी कमाई करते हो जो 21 जन्मों के लिए वर्षा लेते हो। सतयुग में वर्षा तुम अभी के पुरुषार्थ से पाते हो। सतयुग में लौकिक बाप का वर्षा नहीं है, अभी के पुरुषार्थ से पाते हो। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाते हो। बाप ही पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। यह लक्ष्य सोप है जिससे पवित्र बनते हैं। कौन सा लक्ष्य है? हाँ, लक्ष्य सोप है तो कौन सा लक्ष्य है, क्या बनना है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण। बाप कहते हैं अपने को अशरीरी समझो। तुम आत्माएं कानों से सुनती हो। सतयुग त्रेता का 21 जन्मों का वर्षा अभी पारलौकिक बाप से मिलता है। फिर द्वापर से लेकर लौकिक बाप से अल्पकाल के लिए वर्षा लेते आए हो, भिन्न नाम रूप देश काल से। हर जन्म में लौकिक बाप बदल जाएंगे, अलग नाम होगा, अलग रूप होगा, लेकिन वर्षा लौकिक से मिलेगा। याद भल उस पारलौकिक बाप को करते, आत्मा याद करती है, कहती है यह मेरा शरीर लौकिक बाप ने दिया है। तो दो बाप हुए ना, अभी तुम बच्चे जानते हो कि तीसरा बाप भी है। संगम युग पर एक तीसरा बाप भी है।
कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, एक लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक बाप, और ब्रह्मा कुमारियों को एक एडिशनल बाप है, अलौकिक बाप, प्रजापिता गाया हुआ है। परंतु मनुष्य जानते नहीं, समझते हैं ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी है। तुम जानते हो ब्रह्मा तो साकारी बाप है। अब तुम परलोक जाने लिए तैयारी कर रहे हो। तुम जीते जी सभी वानप्रस्थी हो, वाणी से परे जाना है, यह शरीर छोड़ जाना है जरूर। मौत सबका होना है। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, साधु संत आदि से मंत्र लेते हैं, परंतु जानते नहीं कि यह शरीर छोड़कर हम स्वीट होम में जाएंगे। हाँ, बहुत लोग अपने गुरु से मंत्र लेते हैं। अभी भी यहाँ शांतिवन में राजयोग शिविर चल रहे हैं, तो यहाँ जब सुनते हैं ज्ञान, तो सुनने के बाद उनका एक प्रश्न होता है, जो लोग अपने गुरु से मंत्र लिए हुए होते हैं, कि बहन जी हमने तो अपने गुरु से मंत्र लिया है, तो हम शिव बाबा को याद करेंगे तो हमारे गुरु नाराज तो नहीं हो जाएंगे? बहुत समय से हम अपने गुरु से जुड़े हुए हैं, तो फिर उनको समझाना होता है कि शिव बाबा तो गुरुओं का भी गुरु है, आपके गुरु किसको याद करते हैं? तो बाबा ने कहा कि वो जानते नहीं कि ये शरीर छोड़कर हम स्वीट होम जाएंगे, ये जरूर तुम जानते हो। अभी हमको आतुर वेला होती है। आतुर वेला माना उतावली होती है, कि यह पुराना शरीर छोड़ हम आत्मा बाप की याद में रहने से पावन बन बाबा के पास जाएंगे। बाबा से 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे। तो लौकिक बाप भी है, ब्रह्मा बाबा भी है, शिव बाबा भी है, तीनों बाप है ना बरोबर, इसमें अंधश्रद्धा की तो बात नहीं। तीनों पिता सामने हैं, शिव बाबा भी है, ब्रह्मा बाबा भी है, और लौकिक बाप भी है। ब्रह्मणी विष्टा के कीड़े को ले आती है, आकर भू भू करती है, फिर उन कीड़ों में जो उनकी जात वाले होते हैं वह आप समान बन जाते हैं। लाती बहुत सारे कीड़े हैं, लेकिन सब आप समान नहीं बनते, जो उसकी जात वाले होते हैं। बाबा ने कहा बाकी जो और जात वाले होते हैं वह सड़ जाते हैं। यहाँ भी तुम्हारे पास जो आते हैं उनमें भी जो देवी देवता धर्म वाला होगा उनको अच्छी रीति समझ में आएगा। बाकी की बुद्धि में बैठेगा नहीं। अब बाबा ने उसको इस तरह से समझाया कि जो आपकी जात वाला होगा उसको समझ में आएगा। वह है भ्रमरी और तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणिया। तुम्हारा धंधा है विषय सागर के विकारी कीड़ों को ले आकर भू भू करना। भू भू क्या करना है? भू भू करना माना ज्ञान सुनाना। यह तुम्हारा पारलौकिक बाप है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को वर्षा देने। हम जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। तुम भी चलो। हाँ, उनको भी ये समझाओ कि तुम भी चलो। अभी जाना है निर्वाण धाम में, जहाँ से आकर पाठ बजाया है। ये बहुत जन्मों के अंत के जन्म का भी अंत है। अभी तुम अमर लोक जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हो।
ज्ञान का सागर एक ही परम पिता परमात्मा है। ब्रह्मा ज्ञान सागर व विष्णु ज्ञान सागर व शंकर ज्ञान सागर कभी नहीं कहेंगे। क्या कहते हैं? शिव बाबा ज्ञान का सागर है और कोई भी ज्ञान का सागर नहीं है।